श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को पटनी टाप डेवलपमेंट अथॉरिटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से ऐतिहासिक क्रिमची मंदिर में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस प्रोग्राम में छात्रों, इतिहासकारों, कलाकारों, प्रशासकों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। हेरिटेज वॉक को SMVDU के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा और PDA के CEO ठाकुर शेर सिंह ने क्रिमची मंदिरों से झंडी दिखाकर क्रिमची किले की ओर रवाना किया। हेरिटेज मीटिंग के बाद निर्देशित दौरे के दौरान प्रतिभागियों को ASI के बनाए जा रहे क्रिमची के स्थलों के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि माना जाता है कि जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के क्रिमची क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों का समूह 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, जो पांडव मंदिरों के नाम से पहचाने जाते हैं और इनका ताल्लुक महाभारत से भी माना जाता है। पत्थर की संरचनाओं पर बने ये मंदिर पास में बहने वाली एक जलधारा के साथ बीते युग की भव्यता में ले जाते हैं। जयकरण सिंह और ASI जम्मू कश्मीर सर्कल के अन्य एक्सपर्ट्स ने सभी को मंदिरों के ऐतिहासिक सार और स्थापत्य भव्यता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हेरिटेज एक्सपर्ट अनिल पाबा और अशोक शर्मा ने भी जम्मू क्षेत्र के समृद्ध और शाही अतीत के बारे में बताकर इसे भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और यूनिवर्सिटी को क्षेत्र की विरासत की डॉक्यूमेंटेशन, सौंदर्यकरण और संरक्षण पर काम करना चाहिए। पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO ने पत्नीटॉप और इसके आसपास विरासत, संस्कृति व अन्य संबंधित पर्यटन क्षमता को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए की जा रही पहलों को साझा किया। SMVDU के रजिस्ट्रार नागेंद्र सिंह जम्वाल ने कहा कि जम्मू क्षेत्र प्राकृतिक उपहारों के साथ साथ मानव निर्मित चमत्कारों से भरपूर है। कार्यक्रम में मैनेजमेंट फैकल्टी के डीन सुपर्ण शर्मा, स्कूल ऑफ बिजनेस के HOD डॉक्टर सौरभ, स्कूल ऑफ बिजनेस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सरबजीत सिंह व डॉक्टर सुरभि कपूर, ASI के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर गोहर अहमद खान और अन्य मौजूद रहे। आज का ये प्रोग्राम श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय और पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सब लोग मिलकर के हेरिटेज वॉक का ये प्रोग्राम था आज का, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक गण, कर्मचारी गण भी पार्टिसिपेट किए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी गण उनके साथ में उनके सारे सहयोगी, पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उनके साथ में उनके सहयोगी, ये सारे लोग इसमें भाग लिए हैं आज, क्योंकि हमें अपने विरासत के बारे में जानकारी बच्चों तक पहुँचानी है। तो इस कार्य को आयोजन, इस तरह के कार्य को आयोजन करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हम इस तरह के प्रोग्राम पहले भी ऑर्गेनाइज करते रहे, इससे पहले भी एक हमने हेरिटेज वॉक जो ट्रेडिशनल रूट है पंचेरी वाला, उस पर करवाया था, SMVDU के साथ मिलके किया था वो भी, और उसी सिलसिले में आज का भी ये जो हेरिटेज वॉक है क्रिमची के मुकाम पे करवाई है। यहाँ इसका मकसद एक तो हम अपने जो न्यू जनरेशन है उसको कैसे अपने धरोहर हेरिटेज के साथ जोड़ें, उसको कैसे बचाएँ और कैसे प्रोटेक्ट करें, और दूसरा साथ साथ हमारा एक ये भी मकसद है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपके माध्यम से बाहर आएँ, ताकि बाहर से लोग जो आते हैं वो इनको देखें, क्योंकि हमारा मकसद टूरिज्म को बूस्ट करना भी है। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. GK Update. Update rahe hamare saath. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।